स्वाइन फ्लू बुखार के बाद अब खसरा बीमारी ने अपने पैर फैलाने शुरू कर दिए हैं। इसलिए अब इस पर रोक लगाने के लिए ठाणे मनपा भी बिल्कुल एक्शन मोड में आ चुकी है। ऐसे में मनपा क्षेत्र में 6651 बच्चे खसरे के पहले और दूसरे खुराक से वंचित हैं। जब मेट्रो मुंबई की टीम इस खबर की ग्राउंड रिपोर्टिंग की तो पता चला कि ठाणे मनपा प्रशासन ने टीकाकरण अभियान को गति देने के लिए 300 से अधिक कर्मचारी और नर्स व वार्ड तैनात कर दिए हैं। स्वाइन फ्लू बुखार के बीमारी के बाद जिस तरीके से खसरा लगातार फैल रहा है उसके बाद से लेकर ठाणे महानगर पालिका हो या कोई भी महानगर पालिका उसको लेकर एक्शन मोड पर आ चुकी है। देखिए ठाणे जिले में लगभग कई सारे जो केसेस है वो मिलना शुरू हो जाए, ज़्यादातर जो केसेस वो भिवंडी के अंतर्गत में पाए जाने, लेकिन इसके बाद से जिस तरीके से ठाणे महानगर पालिका ने इसके ऊपर एक्शन मोड पर लेना शुरू कर दिया। लगभग 300 कर्मचारियों को, चाहे नर्स हो चाहे डॉक्टर, इनको देखिए ऑन फील्ड की ड्यूटी जो लगातार लगा दी गई है, हर घर में जाके डोज देने की जो आवश्यकता हो गई है। ठाणे सिविल अस्पताल के डीन डॉक्टर कैलाश पवार से खास बातचीत के बाद उन्होंने बताया कि ये बीमारी हर साल ठंड के समय में आती है, डरने वाली कोई बात नहीं। जिस बच्चे का दोनों टीकाकरण हुआ होगा उन्हें इस बीमारी से लड़ने के लिए मदद मिलेगी। जिस बच्चे का दोनों टीकाकरण पूरा नहीं हुआ होगा उनके माता पिता से कहना चाहूंगा जल्द से जल्द दोनों टीकाकरण करा लें। मीजल जो है या खसरा या गोवर अपने इधर एंडेमिक है, ये हमेशा रहने वाला बीमारी है और इन दिनों उनका थोड़ा सा उद्रेक होता है, ये हर एक साल होता है। पिछले 2 साल कोरोना में ये ज़्यादा दिखाई नहीं दिया है क्योंकि मास्क पहन रहे थे लोग, ज़्यादा इधर मिलजुल नहीं कर रहे थे। अरे भीड़ वाले एरिया में ज़्यादा होता है जहाँ पे कंजेस्टेड पॉपुलेशन है, मान नरेज बच्चों को ज़्यादा ध्यान होता दर्द तकलीफ हो सकती है और जो बच्चे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज उनको तकलीफ ज़्यादा हो सकती है। इन लोगों ने वैक्सीन अगर लिया है तो डेफिनेटली प्रिवेंटेबल डिसीज है, बाकी डरने की जैसी कोई बात नहीं है। ये तो कहीं भीड़ भाड़ की जगह बच्चे को ना लेके जाए। जिन बच्चे को बीमारी होती है जिसको फीवर और रैश आते हैं बॉडी पे या लाल चट्टे आते हैं, बुखार आता है, सर्दी है, ये बच्चे को दूसरे बच्चे से ना मिलने दे, उसको आइसोलेट किया जाए, उसका ट्रीटमेंट कराया जाए। अगर लगता है ऐसे तो डॉक्टर को दिखाया जाए, गवर्नमेंट अस्पताल हो या प्राइवेट में जहाँ पे आपको कन्वीनियंट लगता है वहाँ पे जाए। गवर्नमेंट में तो सब जगह फैसिलिटी है और ज़्यादा बीमार लगता है तो टेस्ट करवा लेते हैं हम लोग, टेस्ट करवाना है उसमें, तो ये सब चीज़ें अगर करेंगे और जिसका टीका बचा है वो टीका ले लेंगे लोग तो डेफिनेटली ये कंट्रोल में आ जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। मेट्रो मुंबई के लिए ज्योति यादव के साथ संवाददाता विशाल जायसवाल की रिपोर्ट।